आज के हमारे आखिरी मेहमान हमारे चीफ गेस्ट जनाब चौधरी अफजल मजीद साहब, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और ऐसी ब्रीफिंग हमें दें कि समंदर को कूजे में बंद करें, क्योंकि आपकी ब्रीफिंग पहले भी मैंने सुनी, आप माशाल्लाह बड़ी टॉप की ब्रीफिंग देते हैं। जनाब चौधरी अफजल मजीद साहब। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल, हमारे तमाम दोस्त भाई, तमाम रियल्टर रियल एस्टेट बरादरी, मेरी तरफ से आपको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा ख़्याल है कि सरदार ताहिर साहब ने आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफिंग, नक्शा, जितनी आपको चीज़ बतानी चाहिए थी मेरे ख्याल उससे ज़्यादा बताई है। मैं सिर्फ दो छोटी छोटी दो तीन बातें आपको करके तो आगे चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हर कोई प्रोजेक्ट को कंसीव करने का सोचता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही बिजनेस है रियल एस्टेट का। आप किसी गांव में चले जाएं वो भी प्लॉटिंग कर रहा है, शहर में चले जाएं वो भी प्लॉटिंग कर रहा है, तहसील में चले जाएं वो भी प्लॉटिंग कर रहा है, और जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, जो टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, वो भी यही काम कर रही है। तो पूरा पाकिस्तान में प्लॉटिंग हो रही है। फिर क्या होता है कि उसके बाद पता चलता है कि फलाने ने गेट बना दिया और 500 फुट डेवलपमेंट कर दी, बाद में 200 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट होगी, बाद जगह पे 50 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट होगी, बाद जगह पे 150 कनाल पे होगी, और किसी ने बड़ा तीर मार लिया तो 300-400 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट होगी। और फाइलें कितनी बेच दी? लाखों में बेच दी, हज़ारों में बेच दी। जो 4000 कनाल या 5000 कनाल या उससे बड़ी सोसाइटी बना के डेवलप कर लेता है और अच्छी लोकेशन में कर लेता है, तो समझिए उसने एक शहर बना दिया। ये बड़ी सोसाइटियों में आती है जिसका एरिया 4-5000 कनाल से ज़्यादा हो, लेकिन वो हो किसी सिटी के पास। हमने क्या किया, जब FP2 को लोगों को बेचा बगैर जगह दिखाए तो सिर्फ 3-4 लोगों ने वो जगह देखी। अल्लाह का शुक्र है आप दोस्तों की मेहरबानी से, और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो प्रोजेक्ट घंटों में, आपको पता है 72 घंटे में हमें क्लोज करनी पड़ी बुकिंग और रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि ना करें। अब हमने सब आप लोगों को उस दिन दावत दी थी कि आप आए। आपको पता था एक विजिट के ऊपर कभी भी 10-20-50-100 से ज्यादा बंदे नहीं जाते। उस दिन आपने देखा कि एक विजिट के ऊपर 2000 बंदा इकट्ठा हो गया, और हालांकि उस दिन एक बड़ा इशू था कि हमारे अंदर जो है हमारे एडजस्टमेंट सारा पानी की जो ट्रिब्यूटरी है वो फैसल 2 में आती है, जो चांद डैम है उसका सारा पानी हमारी ज़मीनों में है, तो उसकी वजह से वहाँ एक कलवट गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी पुरानी, उसके ऊपर 10-10 फुट पानी खड़ा था। हालांकि पानी उस कलवट के नीचे होता था, लेकिन पानी का लेवल इतना ज़्यादा था कि ऊपर था तो हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, बहुत लोग वापस आए। इसके बावजूद 3.5 घंटे का विजिट, उसमें फैमिलियाँ भी थी, हमारे दोस्त भी थे, तो इतना लंबा ना लोगों को ये समय थी, इसके बावजूद वहाँ 2000 बंदा इकट्ठा हो गया। तो ये एक लोगों के अतमाद की निशानी है कि किस तरह उन्होंने वेट किया और किस तरह वो हमारे साथ चले। और इतनी मट्टी उड़ रही थी कि इतने ट्रैक बनाना, मुझे एक दोस्त कह रहा था जो बड़ा अच्छा वो यूट्यूबर भी है, उसने कहा चौर साहब जितना आपने ट्रैक बनाने पे खर्चा किया था इतने में तो 2-4000 कनाल की स्कीम डेवलप हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगाए कि हमने लोगों को दिखाया, और वो भी दिखाया जो डिजाइन बनाया है, और अपनी वो टीम की जमीन भी दिखाई जिसके ऊपर हमने कोई डिजाइन नहीं बनाया, वो भी हमने एक पोर्शन दिखाया, सिर्फ एक पोर्शन दिखाया। हमारे पास वहां पे 3 पोर्शन ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने अभी कोई डिजाइनिंग नहीं की, और वो इसी स्कीम का हिस्सा है, वो कोई और लोकेशन पे नहीं है, सेम लोकेशन है, और वो कोई इस्लामाबाद के साथ में रही है, कोई पिंडी के साथ में रही है, वो अभी हमने लोकेशन उसी तरह रखी हुई है। तो मेन मकसद ये था कि ये कोई 1000, 2000, 4000, 5000 या 10-20-30 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट नहीं है भाई, ये एक पूरा सिटी है। ये एक, जैसे वो हमारे खान सलीम साहब ने, सरदार साहब ने कहा कि एक रावलपिंडी सिटी है, एक इस्लामाबाद सिटी है, और इंशाल्लाह ताला ये एक फैसल टाउन फेज 2 जो है ये एक सिटी बनने जा रहा है। तो ये एक आइडियल लोकेशन, और जिसकी असल चीज होती है कि जमीन का खरीदना, फिर उसका कब्जा लेना और फिर इसको कॉम्पैक्ट करना, ये है सबसे महारत वाली तकनीक जो इससे पहले होती है। फिर जब ये 3 चीज़ें हो जाएं
तो फिर होती है उसका एक बहुत जबरदस्त किस्म का मास्टर प्लान बनाना कि जिसमें जो रोड का इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, उसमें आप 100-150 साल बाद भी आपकी डिजाइनिंग हो कि अगर इधर लाखों करोड़ों की आबादी हो जाए तो उसके लिए कोई हाईवे मौजूद है, मेट्रो बनानी हो तो उसकी लेन मौजूद है, अंडरग्राउंड कोई चीज बनानी हो तो उसकी मौजूद है, पार्किंग बहुत बढ़ जाए तो क्या हमारे पास एरिया है कि हम अंडरग्राउंड पार्किंग की प्रोविजन हमारे पास क्या वहां पे मौजूद है या ऊपर पार्किंग के लॉट हमारे पास मौजूद है। ये है असल चीज। और जब आप किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, जब मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूं, उसकी लोकेशन क्या, कि क्या वो लोकेशन सिटी के साथ कनेक्टेड है। अगर वो सिटी के साथ कनेक्टेड है और लैंड आपने कॉम्पैक्ट कर लिया है, मास्टर प्लान आपने अच्छा बना लिया है और फिर आपने उसको डेवलप भी कर दिया है और एक हाई टेक स्टैंडर्ड के ऊपर कर दिया है, तो वो आबाद भी होगा। लेकिन अगर वो सिटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, शहरी आबादी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उसको जितना भी अच्छा आप प्रोजेक्ट बना लें, उसको 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल भी लग जाएंगे, 50 साल भी लग जाएंगे, वो घरों से आबाद नहीं होगा। FT2 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि लैंड भी आपके पास, अल्लाह ने लैंड बैंक भी आपको बहुत बड़ा दे दिया, कॉम्पैक्ट भी कर दी, उसका मास्टर प्लान की वैसे अल्लाह ने आपको महारत दी थी, हमने बड़ी स्कीमें बनाई थी, वो आपने एक ग्रेट किस्म का मास्टर प्लान बना दिया और उसको आपने सिटी के साथ कनेक्ट कर दिया या हम करने जा रहे हैं। तो आपकी जमीन आती शहर के अंदर है भाई, आप पिंडी के अंदर हैं, आप इस्लामाबाद के अंदर हैं, आप हाईवे के ऊपर हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम आपके इर्द गिर्द है। बाद इंशाल्लाह ताला हम फॉर्मेलिटी पूरी करके तो ये लास्ट वीक बनेगा नवंबर का, जिसमें हम फिर इसकी इंशाल्लाह ताला लॉन्चिंग करेंगे। आप आ जाएं, जो सरदार साहब ने इसकी CBD का एक जिक्र किया, इसका एक मरकज है, इसके कई मरकज हैं, कोई 30-35-40 मरकज होंगे, लेकिन इसका जो मेन मरकज है उसको हमने CBD का नाम दिया। उसका एरिया 6,700 कनाल है। आप सब लोग समझदार बैठे हैं कि 6,700 कनाल में इस्लामाबाद का एक बड़ा सेक्टर बनता है, 6,700 कनाल में एक बड़ी कॉलोनी बनती है। मैंने खुद कहा कि जो 4,000 से बड़ी कॉलोनी हो वो एक बड़ी कॉलोनियों में आती है। इसका मरकज सिर्फ 6,700 कनाल के ऊपर है, इससे आप अंदाजा लगाएं। उसके दरमियान में एक हमने अपने लिए एक बिल्डिंग का प्लॉट 70 कनाल का छोड़ा है, एक ही 70 कनाल का प्लॉट है, उसके इर्द गिर्द पार्किंग लैदा है, जिसके इर्द गिर्द हम उस एरिया की सबसे बड़ी हाई राइज और बड़ा मेगा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे, वो एक बिल्डिंग इंशाल्लाह जो मैं इसको मैं कहता हूँ $1 बिलियन की उसकी प्राइस होगी उस बिल्डिंग की जो हम बनाने जा रहे हैं, जो मैंने पहले भी एक दफा बात की थी। और ये जो स्कीम है, ये देखिए सिर्फ एक चीज नहीं देखनी पड़ती, उसके इर्द गिर्द की कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, उसकी एनवायरनमेंट क्या है, और सबसाइल पानी क्या है। असल चीज है पानी। आपको पता है 90% स्कीमें लोग बना लेते हैं उसमें पानी नहीं होता। पानी मैंने उस दिन अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा वहां पे दिखा दिया, पानी के दरिया हमारे पास है, पानी का पूरा डैम हमारे पास है, तो उसी से सबसाइल वाटर, जो वाटर टेबल जो है वो ऊपर होता है, जहां पे कोई पानी का सोर्स होगा तो पानी किसी को मिलेगा या सबसाइल वाटर का टेबल ऊपर आएगा। तो ये जो चीजें हैं ये वही कर सकता है। और फिर इर्द गिर्द की आज आपको बताया लाहौर में क्या इशू है, सारा दिन हाई कोर्टें खुलती हैं, वो कहती हैं ये रक्षा बंद करो, ये चीज बंद करो, इधर पोल्यूशन ना हो, क्या हो सकता है कि ये पोल्यूशन फैल। तो आपके अल्लाह ने ये स्कीम को इस तरह कॉर्डन ऑफ किया है कि हमारी एक पूरी साइड इतने खूबसूरत पहाड़ों से अल्लाह ने कॉर्डन ऑफ किया है, वो सारे पहाड़ आपकी स्कीम को अल्लाह ने मुहैया किया, किसी और स्कीम की तरफ वो पहाड़ों का एक इंच भी नहीं है, सारे पहाड़ हमारे साथ टच करते हैं। और उस दिन मैं अपने दोस्तों को वो सारे पहाड़ दिखा के लाया जो इस्लामाबाद के F6 F7 से मरगला पहाड़ से ज्यादा ऊंचे हैं और ज्यादा खूबसूरत है। मैं इनको बिल्कुल फुट के हिल के ऊपर, उसके अपना फुट हिल के ऊपर इनको खड़ा करके इनको मैंने वो पूरे पहाड़ दिखाए कि किस किस्म के ऊंचे पहाड़ हैं, किस किस्म के लश ग्रीन हैं। और इस्लामाबाद में तो ये है कि सेक्टर थोड़े से पीछे बने हैं, पहाड़ आगे हैं, उनके दरमियान में एक बफर जोन है, जबकि हमारी ज़मीन जो है वो पहाड़ों के और स्कीम के दरमियान एक फुट का या एक इंच का भी फासला नहीं है। और पहाड़ भी वो जो लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी उसके ऊपर कोई और काम नहीं हो सकता। तो ये है उसकी इन्वायरमेंट भाई,
जिस इन्वायरमेंट में आप सिटी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक इंशाल्लाह ताला हमें दुआ करनी चाहिए कि एक बहुत खूबसूरत जिंदगी, जिन लोगों का ख्वाब है कि वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपनी रहायश इख्तियार करें और बहुत ही अच्छी जगह पे करें, जहां उनके बच्चे, उनके आने वाली नस्लें बड़ी सुकून की जिंदगी बसर कर सकें और वो अपने आप को किसी अच्छे शहर का बशिंदा लोगों को बताएं कि जी के हमारा तो इस्लामाबाद में घर है, हमारा पिंडी में घर है, हम एयरपोर्ट से 2 मिनट के फासले पे हैं, हम इस्लामाबाद से 2 मिनट के फासले पे हैं, हम पिंडी के 2 फुट के फासले पे हैं और एक नए शहर में हैं। और इसमें आपको नजर आए कि माल जो है दुबई से बड़े बड़े मालों के प्लॉट भी हमने छोड़े हों। तो ये एक ऐसी स्कीम में रहना, ये भी एक अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। आपका सरमाया किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करा दें लोगों का जहां अगले 50 साल आबादी ना हो, इवन के स्कीम ही नहीं पहली बार लोग बना सकते, बना भी लें तो वो आगे के आगे 40 साल उसमें आबादी ना हो। दूसरा, आपका जो फैसल टाउन ब्रांड है, आजकल आपको पता है लाइबिलिटी की बात हो रही है, आपके फैसल टाउन के ऊपर किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं है भाई। आपका प्रोजेक्ट 100% लाइबिलिटियों से पाक है। ना हमने डेवलपमेंट की मद में कोई पैसा देना है, ना जमीन की मद में देना है, ना हमने बैंकों से कोई अरबों रुपया लिया है, ना हमने किसी सरकारी जमीनों का अरबों रुपया देना है। हमने पहले ही इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं, लिजिटमेट किस्म का बिजनेस करते हैं, उसी का ही अल्लाह उसमें बरकत डालता है। एक ऐसा लिजिटमेट हक हलाल की कमाई है कि आप लोगों को एक ऐसी जगह पर चीज़ लेकर दें कि जहाँ वो अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए रखें या अपनी प्रॉपर्टी अपना घर बनाने के लिए, अपने प्यारों का घर बनाने के लिए रखे, तो वो जिंदगी में आपको दुआएं दे कि यार ये फलां लोगों ने हमें ऐसी लोकेशन में प्लॉट पसंद करके दिया था कि अगर हमने रखा तो 2-4 साल के बाद वो अपने बच्चों के शादियां कर सके, अपने प्यारों की कोई खुशियां जो है उसी से वो एक प्लॉट बेच के वो अपने कई ख्वाब पूरे कर सके, और अगर घर बनाए तो बहुत सुकून से एक अच्छी जगह पे उनको घर नसीब हो। तो ये हर जगह पे इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो आप उन लोगों को फोकस करें जो एंड यूजर है, प्लॉट बेचना मकसद ही, उनको प्लॉट बेचे जिन्होंने घर बनाना है, उससे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज होगी। एंड यूजर तक आप पहुंचे या ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पहुंचे। तो मेरी ये दरखास्त है कि आप ये 2 कम्युनिटी को टारगेट करें, जिन्होंने घर बनाना है और जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके साथ इस मुल्क में बड़ा धोखा होता है। उनको अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी मिले, लिजिटमेट जगह पे मिले, कि जो प्लॉट 10,000 बेच रहे हैं जमीन 20,000 की रख के बैठे हैं, जो जमीन 20,000 प्लॉट बेच रहे हैं वो प्लॉट जमीन 40,000 कनाल की रख के बैठे हैं। तो अब तो इसकी क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी सारी आखिरी एंड पे है और मास्टर प्लान जो है वो प्रिपेयर हो गया, तो इंशाल्लाह ताला मैं छोटे टाइम के लिए एक बात बताता हूँ, जितना पैसा कोई इन्वेस्ट करेगा कम अज कम मैं अल्लाह की मेहरबानी से ये गारंटी देता हूँ कि 1.25 साल में डबल से ज्यादा पैसा वो 1.25 साल में इस प्रोजेक्ट से कमाएगा, सिर्फ 1.25 साल में। आप ये मेरी बात जिसने सरदार साहब है नोटिस करके ये लिख के मुझसे साइन करवा लें कि जितना पैसा वो 1.25 साल में इन्वेस्ट करेगा उससे डबल पैसा वो 1.25 साल में कमाएगा। लंबी तो बात ही नहीं हमें करनी चाहिए। तो ये एक इंशाल्लाह ताला ऐसा इधर काम होने के लिए जा रहा है, तो फिर ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो सरदार साहब आपके लिए अगर इस तरह के जो बहुत ज़्यादा लिजिटमेट, वरना आज आपको प्लॉट पता है आप किसी को ऐसा लोग कहते हैं दौरे 2 लाख रुपए का प्लॉट दे वो वापस कर दे अपना, वो भी नहीं छोड़ते। वीकेंड के ऊपर हम बहुत बड़ा वहाँ पर फंक्शन करेंगे, जब तक मैं वो ना करके फिर उसके भी 5-6 माह के बाद जब लोग 100% सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये एक वाकई शहर बनने जा रहा है तो उस वक्त हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की आपसे बात करें। वरना पैसा इस मुल्क में किसको अच्छा नहीं लगता भाई, लोग तो आजकल कहते हैं जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करें। तो इंशाल्लाह ताला एक मैं आपको जिस तरह मैंने बिल्डिंग में बताया ये एक सिग्नेचर चीज़ होती है, आप रेस्टोरेंट पर जी ये सिग्नेचर हमारी, ये सिग्नेचर डिश है, ये सिग्नेचर हमारा शूज़ का डिज़ाइन है, ये कोट का डिज़ाइन है। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें एक सिग्नेचर बिल्डिंग है इसके सेंटर में जो हम बनाने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं हम इसके 4 ब्रिज बनाने जा रहे हैं, 4 ब्रिज जो पाकिस्तान के सिग्नेचर ब्रिज बनाने के लिए जा रहे हैं। लोग जू देखने के लिए जाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लोग ये ब्रिज देखने के लिए आया करेंगे कि ये कैसे खूबसूरत ब्रिज है जी उस स्कूल में, कि जिसके नीचे ब्रिज के ऊपर गाड़ी जा रही होगी या मोटरसाइकिल जा रहा होगा या पैदल जा रहा होगा तो नीचे पानी पानी होगा और ऊपर ऐसे
हवा में बगैर पिलरों के ब्रिज होंगे कि दुनिया देखेगी। तो ऐसे इंशाल्लाह ताला नगीने स्कीम में हम जो है वो बोलने के लिए जा रहे हैं। ताला मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि जो आप मेरे भी आपके लोगों को ख्वाब दिखाते हैं उन ख्वाबों को मैं भी पूरा करूँगा, और आपका जो साथ है वो उसकी कोई प्राइस नहीं है। क्योंकि हमारी कंपनी का जो मेन स्लोगन है वो ये है कि जो हमारा कस्टमर है, हमने जिसने हमसे हमने पैसा लगाया है, हमने उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। वो हमारी बैकबोन है, उसके मफाद का, उसके पैसे का, वो अल्लाह के नज़दीक भी, वो दुनिया के नज़दीक भी, वो हमारे पास अमानत है, हम उसके अपना अमानतदार हैं। हमने वो पैसा उसको उस शेप में वापस लौटाना है जिसका उसने हम पे ट्रस्ट किया। तो अल्लाह हमें अपने इरादों पे कायम रखे। और ये आज जो बड़ी बेहतरीन महफिल सजाई है, मैं सरदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह के फोरमों से ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लाते रहेंगे फोरम पे। तो इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों की वजह से वो प्रोजेक्ट रातों रात फरोख्त भी होंगे और हम भी आपकी आपके साथ भाइयों की तरह रहेंगे। इंशाल्लाह ताला ये हम सब मिलके इस पाकिस्तान की भी तमीर और तरक्की में हिस्सा डालेंगे। आपको बताएं एक बिल्डिंग या एक प्रोजेक्ट शुरू होने से 60-70 इंडस्ट्री चलती है, कितना गवर्नमेंट को अरबों रुपए का रेवेन्यू मिलता है, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। आप घर भी एक बनाएं उससे भी बड़े लोगों का रिस्क चलता है। तो ये अल्लाह पाक ने जरिया बनाया हुआ आपको, हमें सबको। तो अल्लाह पाक हमें अच्छे काम करने की भी तौफीक दे आप सबके, और मेरे रिस्क में अल्लाह पाक इजाफा करे और हमें हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। आमीन सुब्हानल्लाह।